जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया किस लिए जाता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे देश को सुचारू रूप से विकास कैसे करता है और इसका प्रधान कौन होता है। दोस्तों, किसी भी देश का सुचारू रूप से विकास करने के लिए अलग अलग तरह का विभागों का निर्माण किया जाता है। अब इतने सारे विभागों को एक व्यक्ति सुचारू रूप से चला नहीं सकता है, इसलिए आर्टिकल 75 के 1A में कैबिनेट मंत्रालय को जोड़ा गया, जिसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होता है, जिसका प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा में 543 सीट होते हैं, जिसमें से 30 सीट कैबिनेट मंत्रालय के लिए होते हैं। अब वो सीट कौन कौन से होते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है श्री राजनाथ सिंह, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री अमित शाह, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती स्मृति जुबानी ईरानी, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री नारायण तातुराने को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री सर्बानंद सोनोवाल को मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टील नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री पाशुपति कुमार पारस को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री राजकुमार सिंह को मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री मनसुख मंडाविया को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर नियुक्त किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री पुरुषोत्तम रूपाला को मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट श्री अनुराग सिंह ठाकुर को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट नियुक्त किया गया है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें, तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।